budget means a bag. So we are discussing here about the bag of 2019 and 2020. I would like to drive you all back to 1883, when we have started struggle for Pakistan. The great leaders, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Sir Syed Ahmed Khan, all these leaders were so devoted to make a nation, a Muslim nation, a modern Islamic state, which is now in exist as Pakistan. In 1963, first time स्पेस में हमारे लोग गए, और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट था. उस वक्त इंडिया का नाम और निशान नहीं था हमसे मुकाबला करने में. इंडिया की बात मैं इसलिए करना चाह रही हूँ कि कल कुछ मेरे ऑपोजिशन के दोस्तों ने कहा था कि इंडिया हमसे आगे है. इंडिया हमसे किसी सूरत आगे नहीं है, क्योंकि इंडिया में इस वक्त दुनिया में नंबर वन बेरोजगारी है. इंडिया में नंबर वन इस वक्त जो है भूख अफलास है, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जो हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन इस वक्त इंडिया में है. और पाकिस्तान आर्मी में नंबर सिक्स है पूरे वर्ल्ड में हमारी पोजीशन. अगर हम अच्छे एस्पेक्ट्स पे भी नज़र डालें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे काम भी किए. अगर हम सिर्फ रोना रोते रहें कि हमें बजट में क्या मिला क्या नहीं मिला, 100 बिलियन हमें इस वक्त बजट में मिला है, और फेडरल से भी हमें 80 बिलियन मिला है. तो अगर हम अपनी चादर के मुताबिक पांव फैला के ये काम भी कर लें तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. मेरे हिसाब से जिस तरह कायदे आजम के दौर के वो तमाम लोग विजनरी लोग थे, ये एक बजट भी हमारा विजनरी बजट है, जिसमें हमारे कायद ने इस चीज़ को फोकस किया है. जो बजट 2015, 16 और 17 में इस चीज़ को एजुकेशन और हेल्थ को फोकस किया गया था, लेकिन हमारे कायद ने, हमारे सीएम ने इस बजट को एजुकेशन हेल्थ के अलावा उन तमाम डिपार्टमेंट्स को ऊपर लाए हैं, जिसमें फिशरीज़ है, आपका माइंस एंड मिनरल्स है, आपका लाइफ स्टॉक है, ये वो तमाम डिपार्टमेंट्स है जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा. और जब हमारे रेवेन्यू जनरेट होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास फंड्स होंगे बलूचिस्तान के डिफरेंट ऐसे इदारों पर लगाने के लिए जहाँ पर हमारे पास माजी में फंड्स नहीं हुआ करते थे. और बात होती है डेफिसिट की, जो डेफिसिट है हमारा बजट में हमेशा, उसकी वजह यही है कि माजी में लोन किसने लिए, माजी की हुकूमतों ने हमारी तमाम चीज़ों को गिरवी किसने रखा, कि हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी है, हमारे मोटरवेज गिरवी है, हमारे तमाम बड़े इदारे गिरवी हैं. और IMF से कर्जे के लिए जब जाते हैं तो वो हमारी पाबंदियाँ लगा देते हैं कि आपने जी पेट्रोल नहीं निकालना, आपने गोल्ड नहीं निकालना, तो हम अपने हाथ खुद बांध देते हैं. तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त इमरान खान साहब भी फेस करें, हमारी हुकूमत भी फेस कर रही है. तो इसमें सिवाय क्रिटिसिज्म के आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखें कि पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे बहुत ऊंचे लेवल पे, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एटॉमिक पावर, और हम किसी से कम नहीं है. हाँ, जो बलूचिस्तान महरूमियों में रहा है इसमें कोई शक नहीं कि उसको इग्नोर भी किया गया है, लेकिन इसमें कोई किसी का हाथ नहीं, हम सब का खुद है. इस इक्तदार की गद्दियों पे हमेशा हमारे बलूचिस्तान के लोग आते हैं जिन्होंने खुद इसको कभी ओन नहीं किया. और अब अगर हमारी हुकूमत आई है और इसको इसका कसूरवार ठहराया जा रहा है तो ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है. 10 महीने में इस हुकूमत ने जितने पॉजिटिव काम किए वो सबको नज़र आ रहे हैं, और इतने हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतने ऑनेस्ट CM मिले हैं जो बलूचिस्तान के लिए इतने डिवोटेड हैं, जो 18-18 घंटे बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 5 साल बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम एक बिल्कुल डिफरेंट बलूचिस्तान देकर जाएंगे, और बहुत अच्छी चीज़ें. साथ साथ मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने इतना बेहतरीन बजट पेश किया. ACS साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने दिन रात की काविशों से, हमारे CM सेक्रेटरीट ने, ये तमाम लोगों की एक टीम वर्क था. एंड आई एम वेरी प्राउड टू फील दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टीम वर्क. सो थैंक यू सो मच स्पीकर साहब कि आपने मुझे टाइम दिया बात करने का.